अभी ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके कोई काम नहीं बनने वाले। अब आप करोड़पति से पहले लखपति हुए, अब हजारपति हुए और अब रोडपति हो जाएंगे। बरसों से गरीबी देखी आपने, अभी भी गरीब हैं और भविष्य में भी आप गरीब ही रहने वाले हैं, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। क्योंकि रातों रात चमत्कार तो होगा नहीं आपके साथ, कहीं अचानक से धन से सोने से भरा बैग तो नहीं मिल जाएगा आपको। ये जो इतनी सारी समस्याओं में जकड़े पड़े हैं आप, लोन है सर पर, घर नहीं खरीद पाए हैं अभी तक आप, परिवार में बढ़ गए हैं लोग, शादी कर लिए आप, बच्चे हो गए, अभी तक नौकरी व्यापार बिजनेस सेटल जिसको कहते हैं ना, वो सेटल नहीं हो पाए। अब आपको लग रहा है ऐसा जैसे बस खाने की व्यवस्था हो जाए और मैं अपना जीवन किसी तरह चला लूं। आप हमेशा अपने दिमाग में एक ही चीज़ का प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरे किचन का खर्च चलता रहे। आप सोच भी नहीं सक रहे कि मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए हो, मैं एक बड़ा घर खरीद लूं, मैं एक बड़ी गाड़ी खरीद लूं, अपने बच्चों को विदेश भेजूं पढ़ने, ये सब नहीं आप सोच पा रहे हैं। आप बार बार इतना सोच रहे हैं कि बस किसी किचन मेरा चलने लगे, किसी तरह मैं भोजन कर लूं, क्योंकि उससे आगे सोच आपकी हो नहीं पा रही है। काबिल हैं आप, परिश्रमी हैं आप, लेकिन क्या करें कि इन मुसीबतों से आप ना पहले निकल पाए ना अब निकल पा रहे हैं, तो भविष्य में क्या निकलेंगे। तो जब समस्याओं ने बिल्कुल आपको घेर रखा हो, आपका मस्तिष्क कारणा कर रहा हो कि आखिर लाखों करोड़ों रुपए मैं कैसे कमाऊंगा, आप जब समाज में किसी सफल व्यक्ति को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा तरक्की की हो, जिसने चेहरा चमकता हो हुनर से और पैसे से, जिसकी जिसके घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, बड़ा बंगला हो, तो आप उसकी तरफ देखते हैं तो अपने आप से उसे भिन्न समझते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे वो दूसरा ही प्राणी है, क्योंकि मैं तो कभी वैसा नहीं हो सकता हूँ, अभी तक तो हुआ नहीं मेरे साथ चमत्कार, तो भविष्य में अचानक से कहाँ होगा। अगर मैं कहूँ कि केवल तेज पत्ते की मदद से मैं आपके जीवन में चमत्कार कर दूं, मैं जैसा बताऊं बस वैसे करना और चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। गंदे कमरे को कैसे झाड़ू लगाकर क्लीन किया जाता है, सारी गंदगी निकाली जाती है और फिर कमरे को सजाया जाता है। तो ये दो काम करना है जीवन में, पहले तो क्लीनिंग का काम करना है। आपके जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नजर दोष है, किया कराया, टोना टोटका, किसी के कदम भारी है, कोई आपको मनहूस बोल रहा है या कोई मनहूस व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ गया हो, इतना भारी हो उसके ग्रहों की स्थिति कि वो आपको तरक्की नहीं करने दे रहा हो, ये सारी चीजों को पहले झाड़ू लगाकर घर से बाहर निकालना है। उसके बाद आपकी इच्छा को एक बार में पूरी करनी है। जो सोचोगे प्राप्त होगा, जितना चाहोगे उतना धन मिलेगा, जो कार्य करोगे उसमें सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, और क्या कहूं कि बन जाओगे करोड़पति, बन जाओगे अमीर, धन से मालामाल। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो कामयाबी देता है जीवन में। कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में, कहां से कहां पहुंच जाओगे। एक तो समस्याएं आएगी नहीं, और आएगी तो अपने साथ समाधान भी लाएगी। एक बार ओम नमः शिवाय बोला करो ना, सोते जागते चलते फिरते बोला करो ना, फिर देखो इसका चमत्कार। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कारी प्रयोग बताती हूँ आपको। जब जीवन दुविधा से भर जाए, समस्याएं इतनी हो कि अब उन समस्याओं पर आप विचार करना छोड़ चुके हो, कहाँ से हो गए इतने लाखों करोड़ रुपए, आप बार बार इतना सोचते हो कि मैं इतना भी कमा लूं, उसे बचा कर रखूं, बचता कुछ नहीं है, जो बचता है वो साल में इलाज के नाम पर खर्च हो जाता है। गरीबी आपको पीछा ही नहीं छोड़ती, घर में निर्धनता का एक माहौल बना हुआ है, हम लोग सब गरीब हैं। आप कोई भी चीज़ लेने की सोचते हैं ना, इवन एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन भी लेने की सोचते हैं, तो इस वर्ष सोचेंगे तो अगले साल खरीद पाएंगे, ऐसी अवस्था हो तब क्या करें। कैसे लोग घर बदल लेते हैं, कैसे नई गाड़ियां फैशन में आती है तो लोग अपनी गाड़ियां बदल लेते हैं, कैसे नए डिजाइन के सोने चांदी के ज्वेलरीज बार बार औरतें खरीदती हैं, अपने पुराने ज्वेलरी को दे देती है और महंगे महंगे भारी भारी सोने के जेवर खरीदती है, इतने पैसे कहाँ से आते हैं, ये लोग इतना चमकते कैसे हैं,
माता लक्ष्मी क्या केवल इन पर ही कृपा करती है, हम पर क्यों नहीं करती? दिवाली के दिन हम भी तो पूजा करते हैं। तो चलो इन सारी समस्याओं को एक तरफ रखते हैं और अब हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार करते हैं। चलो ध्यान से सुनो क्या करना है आपको 7 दिनों तक लगातार। देखो 7 दिन क्यों, ये जो नेगेटिविटी जमी है ना आपके जीवन में, आपके भाग्य पर जो ये काला बादल छाया हुआ है ना, कुछ भी होता ही नहीं है आपसे, धन आता ही नहीं है, बैंक में बैलेंस हमेशा कम था कम है और भविष्य में बैंक बैलेंस नहीं रहने वाला। तो इस नेगेटिविटी को जड़ से निकालना है। 7 बड़े बड़े तेज पत्ते लेना, 7 तेज पत्ते, एक हरा रंग का मार्कर लेना या कलम लेना, 7 तेज पत्ते पर एक अंक बता रही हूँ, इस अंक को लिख देना। आपको अंक लिखना है 0927, 0927, 7 तेज पत्ते पर मोटे मोटे बड़े अक्षरों में इस अंक को लिख देना। एक कोई भी बर्तन ले लेना, लोहे का बर्तन यानी स्टील की कटोरी, स्टील तड़का पैन, कोई भी चीज ले लेना जो स्टील या लोहे से जुड़ी हो। 7 कपूर की टिकिया लेना और ये प्रारंभ आप बुधवार से करेंगे और 7 दिन तक लगातार करेंगे। महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखेंगी, पीरियड्स के दिनों में नहीं करेंगी ये। 14 हो, 9वीं हो, अमावस्या तिथि हो, इन तिथियों में प्रारंभ नहीं करेंगे। आप इन 7 तेज पत्तों को एक पर एक रखते, बीच बीच में कपूर की टिकिया डालते जाए, ऐसा नहीं एक ही जगह ना डालते, आपको टोटल को जलना है इस बात का ध्यान रखिए और कपूर को आग लगा दे और इसकी जो धुनी होती है, इसकी जो धुआं निकलेगा, संपूर्ण घर के कोने कोने में डालें। देखिए हम क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, इससे धन नहीं आएगा, पहले हम लोग सफाई का काम कर रहे हैं, कमरे को साफ करेंगे, आपके जीवन को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। 7 तेज पत्ते जलकर बिल्कुल समाप्त हो जाने चाहिए, घर के कोने कोने में इसका धुआं दिखाएं और रोज करें, हीलिंग होगी, आपका घर चमक उठेगा, आपको आपको मस्तिष्क हल्का लगने लगेगा, अब लगेगा कि आप धन कमाने के लिए बिल्कुल परिपक्व हो गए हैं, अब देखिए कैसे दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ती है और सौभाग्य आपका जागता है। 7 दिन ये कर ले, 7 दिन बीच में छोड़ दे, हील होने के लिए समय को छोड़ दे। उसके बाद 7 दिन गिन के नहीं छोड़ना, 10 दिन छोड़ दे। उसके बाद अब 1 तेज पत्ता ले प्रतिदिन, उस तेज पत्ते पर विश फुलफिलमेंट अंक लिखे 1176 और 1 कपूर की टिकिया ले। एक छोटे से बर्तन पर आप 1 कपूर की टिकिया के सहायता से इस तेज पत्ते को जला दे, हाथ में पकड़ कर भी जला सकते हैं और रख कर भी जला सकते हैं, जलाकर खत्म कर दे और जब ये जल रहा हो अपनी इच्छा बोले, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहता हूँ, मैं 10 लाख रुपए की एक कार चाहता हूँ, मैं एक बंगला खरीदना चाहता हूँ, मैंने 2 BHK का एक फ्लैट देखा है 40 लाख उसकी कीमत है, मैं उसे खरीद रहा हूँ, ऐसे अपनी इच्छा बोल कर 41 दिनों तक लगातार इसे जलाएं। 41 डे यदि महिला कर रही है और पीरियड्स बीच में आ गए तो उन 5 दिनों को आप छोड़ दें और फिर उसे काउंट करें। 41 दिनों तक 1176 लिख कर इस तेज पत्ते को आप बर्न करें कपूर के माध्यम से और देखिए कैसे चमत्कार होता है। पहले आपने क्लीनिंग की, अब आपने अपनी विश फुलफिलमेंट की और देखिए क्या चमत्कार होता है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। अमीर बन जाएंगे, गदगद बन जाएंगे, बन जाओगे करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।